नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा पूरे के पूरे बाजार के ऊपर। लास्ट फाइनल अपडेट है ये, इसके बाद स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो होगी आपके लिए, एंड फिर दिन की आखिरी वीडियो जो 10:30 बजे करीब आपके लिए डालूंगा मैं, वो यूएस मार्केट, दुनिया भर के बाजार कैसा रिएक्शन दे रहे हैं, इसराइल और हमस के जो विवाद चल रहे हैं इसके ऊपर कैसा रिएक्शन आता है। बट देखने वाली बात यह है कि अभी शेयर बाजार जो आपके लिए आता है वो दिखाएं, निफ्टी 150 पॉइंट नीचे है, बैंक निफ्टी 485 पॉइंट नीचे है, 1% टूटा है, मिड कैप 0.25% से ज्यादा डाउन है और स्मॉल कैप तो ऑलमोस्ट 2% नीचे हो गया है आज। तो पूरे बाजार में चौतरफा बिकवाली गिरावट देखने को मिल रही है इस वजह से। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इनिशियली हम लोग गिरे और वहां से एक शार्प रिकवरी आई और उसके बाद कंटिन्यू दिन के दौरान लोएस्ट लेवल पे आते हुए दिख रहे हैं हम, तो ये आपको प्रेशर शो कर रहा है क्लियरली। अब इसमें आपको क्या समझना है क्या नहीं समझना है ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 3-4 बड़ी चीजें बताना चाहता हूं। पहले कच्चा तेल भागता हुआ दिखा था, वो नीचे हो गया, कूल डाउन आ गया, तो वो अच्छी बात है। दूसरी बात, कच्चे तेल से रिलेटेड शेयर आज फोकस में रह ही रहे हैं, लेकिन अगर आप बड़े लेवल पे देखो, इसराइल के मामले के ऊपर देखो, तो मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, इतना बड़ा रिएक्शन या उतना बड़ा कुछ इशू नहीं होने वाला है। तो निवेशकों से सिर्फ इतनी कहूंगा कि आप अपनी पोजीशन को मैनेज करें, ऐसा नहीं कि बस हो गया खत्म बाजार, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, इतना इंपैक्ट नहीं होने वाला है, अपनी इकोनॉमी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक चीज का फर्क पड़ेगा वह कच्चे तेल का, और कच्चे तेल का फर्क भी तब पड़ेगा जब ईरान डायरेक्ट सामने से कहेगा कि हम इसराइल के खिलाफ खड़े हैं। अभी तक तो ऐसा कुछ है नहीं, और होगा नहीं होगा वो भी पता नहीं है, मेरे को नहीं लगता ऐसा होगा। बाकी मैं कोई इस मामले में ऐसा नहीं कि भैया बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं ग्लोबल मार्केट्स के बारे में या फिर हमलों के मामले में, नहीं, बट जो चीजें अभी न्यूज आर्टिकल्स में लिखी हुई आ रही हैं वो मैं आपके साथ कंटिन्यू शेयर कर रहा हूं। वहां पे क्लियरली ऐसा बताया जा रहा है, अगर ऐसा होता है तो फिर कच्चे तेल के दाम उछल सकते हैं, जो हमारे लिए प्रॉब्लम, हमारी इकोनॉमी के लिए एक प्रॉब्लम का विषय बनेंगे, हमारे लिए खर्चा बढ़ेगा इकोनॉमी के लिए, इंडिया के लिए, कंट्री के लिए, बट वो अभी होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो मेरे को लगता है ये जो गिरावट है ये आपको केवल दिख रही है, ऐसा कुछ नहीं कि बड़ी गिरावट होगी, मार्केट 10-20% क्रैश हो जाएगा, नहीं, लेकिन तेजी नहीं आएगी। आप और हम सबको भी ये सब दिख रहा है, क्या खरीदने के लिए तैयार है हम, नहीं, पैसा लगाएंगे नहीं, तो बाइंग कम हो जाएगी। देखिए शेयर बाजार में दो तरीके से बिकवाली आती है, गिरावट होती है, एक तब जब आप अपना शेयर बेचने लगो और दूसरा तब जब बाइंग खत्म हो जाए। दोनों केस मान के चलो, डेली बेस पे 50 बायर आ रहे हैं और 60 सेलर आ रहे हैं, तो बाजार हल्का फुल्का नीचे आ रहा है, लेकिन सामने से जो 50 बायर थे इसमें से 40 बायर खत्म हो गए, 10 बायर हैं और सेलर एग्जैक्टली अभी भी 60 के 60 ही हैं, तो प्रेशर तो पड़ जाएगा ना, क्योंकि फिर सेलर बायर्स के सामने बहुत ज्यादा हो गए क्योंकि बायर्स खत्म हो गए। तो ये जो मार्केट है ना, यहाँ बाइंग खत्म होगी, दोनों कॉन्सेप्ट में बहुत डिफरेंस है। बाकी आज FIIs का डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि किस तरीके से वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो FIIs का जो भी डाटा आएगा वो मैं आप सभी के साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा। मार्केट डेज लो पे आ रहे हैं, ये नेगेटिव है, कल रात भी मैंने यही कहा था, सुबह भी यही कहा था कि अगर बाजार दिन के दौरान निचले स्तर पर बंद होते हैं, आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्लोजिंग है, ओपनिंग नहीं, हम गिरकर खुले, रिकवर हो गए और क्लोजिंग होते होते वापस नीचे आ रहे हैं, तो ये नेगेटिव है। ओवरऑल मार्केट में आप चुनिंदा शेयर्स लार्ज कैप स्टॉक्स में बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। अब कुछ लोगों का मानना होता है बाय ऑन डिप्स कैसे करें, समझ में नहीं आती है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने क्वालिटी शेयर्स चुन लिए जिन पे आप लॉन्ग टर्म के लिए भरोसा कर सकते हो। मिड कैप और स्मॉल कैप जो बीते कुछ समय में बहुत तेजी से भागे हैं उनमें थोड़ा सावधान रहना, क्योंकि इस समय में उनमें बड़ी पिटाई पड़ती है। तो लार्ज कैप चुनिंदा नाम चुन लिए आपने, हर 5% पे आप एक्यूमुलेट करेंगे, अपने पैसे को 5 टुकड़ों में बांट दो कि मैं 5-5% यानी 25% तक एक्यूमुलेट करेंगे। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन वर्स्ट सिचुएशन अगर आती है, ईरान सामने आता है इसराइल के, खुद कहता है, तो इतनी बड़ी गिरावट होगी जहां आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एक चीज सिर्फ याद रखना, जिसने गिरावट में खरीदा है उसी ने बड़ा पैसा बनाया है, तो गिरावट में खरीदने वाला हिम्मत वाला होता है और बड़ा पैसा भी वही बनाता है। शॉर्ट टर्म में जरूर उसे थोड़ी दुविधाएं होंगी, लेकिन पैसा वो बड़ा बनाएगा। जब सब कुछ पॉजिटिव, सब कुछ अच्छा, बाजार हाईस पे, तो शॉर्ट टर्म एक दो दिन में जरूर वो पैसा बना लेता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसको समय बहुत लगता है बड़ा पैसा बनाने में। तो बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे समझते हो बाजार को और आपका क्या ओपिनियन है, वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। एक अपडेट भी देना चाहूंगा, मैंने आप सभी के साथ भी शेयर किया था कि मैं मार्केट पे नेगेटिव हूं 19,500 का, आप पुट लेके जा सकते हैं, और हमने अपने टेलीग्राम पे भी शेयर किया है, जो टेलीग्राम पे नहीं जुड़े डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जुड़ सकते हैं, तो वहां पे टारगेट अचीव हो गए हैं। तो सबसे पहले कांग्रेचुलेशन जिसने भी हमारे साथ टेलीग्राम पे वो ट्रेड इनिशिएट किया था, उन सबको।
अब बात करें आज के एडवांस और डिक्लाइनिंग, काफी खराब रेशियो, 350 शेयर्स पॉजिटिव है जिसके सामने 1710 शेयर नेगेटिव है। तो ये आपको दर्शा रहा है पोर्टफोलियो काफी हैवी लाल है। आज सारे के सारे सेक्टर लाल निशान में, सबसे कम FMCG गिरा है, बाकी सब टूटे हैं। PSU बैंक को 3% टूट गया, तो बड़ी गिरावट आते हुए दिख रही है आज आपको। बात करें अगर मार्केट की तो टॉप गेनर में ITI, OIL, केन्स टेक्नोलॉजी, एंजल वन, डेल्टा कॉप, ये कुछ स्टॉक्स हैं। टॉप लूजर्स में इरकॉन इंटरनेशनल, महाराष्ट्र बैंक, सेंट्रल बैंक, अदानी पावर, IOB, ये कुछ स्टॉक्स हैं। आप टॉप मोस्ट एक्टिव में TCS रहा, बायबैक के बाद बढ़िया बाइंग बनती हुई दिखी है इस स्टॉक में। निफ्टी की बात करें तो 44 शेयर्स नेगेटिव है, केवल 6 शेयर्स पॉजिटिव है। गिरावट को लीड अदानी पोर्ट्स कर रहा है और पॉजिटिविटी को लीड डॉक्टर रेड्डी लैब कर रहा है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो से स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।